back to the all new video of Gangtok series. So today we'll be going to Nathula Pass. So Nathula Pass यहाँ से Gangtok से around 60 किलोमीटर दूर है एंड एक्सपेक्टेशन ये है कि वहाँ पर अभी शायद थोड़ा बहुत स्नो होगा क्योंकि टेम्परेचर अभी हम चेक कर रहे थे -1 degree है. होपफुली हमको थोड़ा बहुत स्नो देखने के लिए मिल जाए. जनरली नवंबर दिसंबर के टाइम बहुत हैवी स्नोफॉल होता है बट होपफुली आज स्नो हमको देखने मिल जाए. एंड एंड बॉयज हाफ द जोश. सो लेट्स मीट यू देयर. यहाँ थोड़ा ठंड के कपड़े खरीद रहे हैं. कोहराई को जरूरत है. भाई चाय कैसे लग रहा है? अच्छा लग रहा है. अच्छा नहीं लग रहा था. अच्छा लग रहा है. इतनी ऊंचाई पे गरम गरम चाय और ये खूबसूरत नज़ारा. और चुई अगर तुमको थोड़ा अपना शरीर गरम करना है तो यहाँ पर लेकर इतनी ठंड है. चारों तरफ भी कोहराई कोहरा है. कुछ दिखाई नहीं दे रहा है. नथुला पास जहाँ से कुछ देर और है तो अभी हम निकलते हैं आगे. बार जन अच्छे बहुत थंडा माइनस अक्सीजेन कमी जा कर्पूर आर्पूर आमुचु बहुत मजा लगुच बहुत मजा आ रहा है. बहुत मजा आ रहा है. बहुत अच्छा लगा. बहुत ठंड लग रहा है. चाइना लोग को बहुत काम है ना. चाइना लोग कई नी आर एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 14,000 फीट एंड द टेम्परेचर इज टू फ्रीजिंग माइनस 1 degree. जस्ट हम लोग बॉर्डर अभी देख के आए. वहाँ पर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है बट मैं कुछ उसके चाह दूंगा. यू कैन हैव अ ग्लिम्स एंड दैट्स इट. सो वी आर हियर इन दिस टेम्पल विच हैज बीन डेडिकेटेड टू बाबा हरभजन सिंह. इट हैज बीन लाइक टोल्ड दैट ही यूज टू guard the people here. After his death also he is here with us, which is a very fascinating thing. And he used to there is people a crazy say story that about him. People say that believe him. People say that he protects the soldiers stationed here. हम लोग आए हैं टेमी में विच इज़ इन नामची और दिस इज द ओनली टी गार्डन इन सिक्किम एंड द प्लेस इज़ ब्यूटिफुल. एंड अभी हम लोग यहाँ घूम रहे हैं टी गार्डन में. अभी हम लोग फिर जाएंगे नीचे. विल हैव ए कप ऑफ टी एंड देखते हैं और क्या क्या है यहाँ पर. Thank you.
अच्छा लग रहा है। चल और माई चाय कैसे लगा? अच्छा नहीं लगा। तो फिर तो इससे ये कंक्लूड होता है कि हमारी घर की जो टाटा गोल्ड वाली चाय ही बेहतर है, इसका इसका स्वाद इतना पसंद नहीं आया किसी को। कौन क्यों चुपे कौन टेमिटी तो अभी हम लोग आए हैं चार धाम। तो यहाँ पर हमारा चारों धाम में से एक रामेश्वरम, एक द्वारिका, एक बद्रीनाथ और एक जगन्नाथ। तो चारों धाम के दर्शन एक साथ होंगे, तो आइए आपको एक करके सारे सारे धाम के दर्शन कराते हैं। तो फाइनली हम लोग पीलिंग पहुंच चुके हैं चार घंटे के सफ़र के बाद, और अभी हम लोग बाहर निकले थे ऐसे ही हम तीन सिटी आसपास लोकल एरिया एक्सप्लोर करने के लिए, बट कुछ मिला नहीं हमको। वैसे भी अभी 9 बजने वाले हैं एंड सिटी इज़ ऑलमोस्ट शट नाउ। तो अभी हम लोग जाएंगे रूम और कल करेंगे कुछ अच्छी अच्छी बढ़िया चीज़ एक्सप्लोर एंड मिलते हैं आपसे कल। हैव ग्रेट टाइम।